शादीशुदा होने के बाद भी इन लोग के यार होते हैं और यार फोन करके पूछते हैं कि फोन कहाँ लगा है, समझा रहे हैं? अगर कोई भी अगर हमारे पास फालतू फोन कर दिया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, भले में थाना पुलिस करना पड़ जाएगा, समझ में आया? आदमी होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद ये लोग यार पटा लेती हैं, उसके बाद यारों से फोन करवाती हैं, उन्हीं से जिनको पटाई रहती है उन्हीं से फोन करके पूछा करो कि कहाँ से नंबर मिला है। पटा लेंगे सब, भता रहे यार पटा लेंगी शादी के बाद भी, उसके बाद सब नौटंकी चो देंगी, आखिरी बार समझा रहे, इसको दोबारा वार्निंग नहीं देंगे। फैमिली ने क्या सही कहा है, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा, तो मेहनत करते नहीं है, फल खोजने की तैयारी में निकल जाते हैं, तो पहले मेहनत करिए तभी फल मिलेगा। एकदम दोस्तों एकदम छिन रहा है ये मर्द, एकदम छिन। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त दोस्तों होंगे। देखिए हमारे हस्बैंड जी क्या। हेलो दोस्तों नमस्कार, देख सकते हैं हम खोज रहे थे साला गाजर कुछ और, लेकिन देख रहे कुछ और निकल गया। गेहूं खेत में डाल है, अब पढ़ के आ गया है, बैग फेंकेगा, बैग फेंकने के बाद भाग जाएगा अपनी दादी के पास। बड़ी मस्त बात, कहाँ जाएगा बाबू अब? हैं कहाँ अपनी दादी लग जा ली, जा तू अपने घर जा बाबू, बाय। इसका घर यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये जब आता है तब कहता है मेरा घर वहाँ है, जा बाय, चाहे भले रहे न मिले, घुस ले और जा निकला, बाय जा अपने घर जा बाय जा। तो दोस्तों मस्ती कर रहे हैं और आप लोग को बता दें आज 3 दिन से यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रही है, अपडेट आ रहा है यार, तो पकड़ो। 3 दिन से कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आ रहा है और मैं यूट्यूब पे नया नया अपडेट आ रहा है और मेरा गला जा रहा है। परसों फसल भैया के घर पे हम लोग थे तो वीडियो जो अपलोड कर रहे थे सारी हट जा रही थी, फिर अपलोड हुई तो आ गई, हम लोग को थोड़ा टेंशन हुआ, मैंने सोचा मेरे पे ही हो रहा है, फिर पता चला कि सबके पे है, धीरे धीरे सब तो टेंशन थोड़ी कम हो गई, तो फिर सबका वीडियो जो हटा था वो वापस आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज डॉलर जो जहाँ से डॉलर ऑन होता है वो ऑन ही नहीं हो रहा था, जहाँ से डॉलर मोंटाज वाला जो था डॉलर ही नहीं ऑन हो रहा था, तो वो भी कुछ अपडेट ही था, तो फिर वो भी ठीक हो गया। कुछ अपडेट ही नहीं था, 1 घंटे के लिए अपडेट ही था, जो भी हो फिर वो सही हो गया वो भी। तो देखिए क्या क्या होता है, अगर ऐसे ही अश्लीलता और ऐसे ही यूट्यूब पे लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो देखना धीरे धीरे यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। नहीं बैन नहीं होगा, हो भी तो सकता है जब दोस्तों देखिए जैसे मार्च का क्लोजिंग होता है और चालान का हर चीज का, तो मार्च का जब क्लोजिंग लास्ट महीने का आता है तो कोई भी गाड़ी मिलती है तो चालान कट जाती है, तो ऐसे ही चल रहा है इसमें यूट्यूब। और इस वीडियो में मैं कुछ खास बातें करने वाली हूँ, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे कि देखिए जो लोग मिलते हैं नंबर ले लेते हैं, ठीक है, नंबर लेने के बाद कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी अपने दूसरे रिलेशनशिप में रहती हैं, वहाँ पे चलो बैठ के ब्लॉगिंग करते हैं, बोलो। हाँ तो मैं ये कह रही थी सिर्फ लेडीज ही नहीं, लेडीज जेंट्स दोनों लोग शादी के बाद भी बहुत लोग चोरी छुपे रिलेशनशिप में रहते हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। पहले जो बात करूँ करने दो, बीच में बकवास मत किया करो, करो हम भी रहते हैं तो हम बता रहे हैं ना, और सब का करते हैं यार दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। क्या करो, बनाओ ब्लॉगिंग, बनाओ नौटंकी करे को नौटंकी कहीं लगने मारा बोला। तो हमारे पास रात में एक कॉल आया था जो कि एक लेडीज नंबर ले गई थी, लेडीज नंबर ले जाती है तो लेडीज के आदमी फोन करके हम लोग से नहीं पूछते हैं, लेडीज अभी चलो उधर ब्लॉगिंग करो सारे तो। लेडीज का कोई बॉयफ्रेंड होता है वो फोन करके पूछता है कि कहाँ फोन लगा है, किसके पास लगा है, इतना प्यार से इस मतलब पहले ऐसे ही बोला, फिर ये लोग आपस में बैठ के मखाउच खाउच कर रहे थे तो उसने सोचा कि हमको बोल रहे हैं, तो वो उधर से गाली बकने लगा, हम बोल रहे हैं भैया आपको नहीं बोल रहे हैं, भैया आपको नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उधर से गाली बकने लगा। जब उधर से गाली बकेगा तो इधर से तो गाना कोई गाएगा नहीं, भजन तो गाएगा नहीं, फिर उसके बाद भर भर के मैंने भी गाली दी, इन्होंने भी दी, रंजय थे निषद दीदी थी सब लोगों ने, जहाँ तक आया बहुत कुछ बोला, उसने भी बहुत कुछ बोला। फिर सुबह हम थाने पे नंबर लेके जाने वाले थे, तो थाने पे नंबर ले जाने से पहले हमारे पास आ गया कॉल, और जब कॉल आया तो निकला अश्लील वालों का, जिसने फ़ोन किया था वो जिसने फ़ोन जिसके पास नंबर था वो अश्लील वीडियो बनाती थी, और जिसने फ़ोन किया था वो उसका बॉयफ्रेंड था,
पति होने के बाद भी बॉयफ्रेंड होते हैं, तो फ़ोन करके वही पूछ रहा था कहाँ फ़ोन लगाया कैसे लगाया। उसके बाद वो लगा मखाउज जखाउज करने, वो सोचा कि मैं पटा रखा हूँ, लग रहा है इसका कोई दूसरा भी है, तभी तो पूछ रहा था यूट्यूब। और फ़ोन मेरे नंबर पर नहीं आया था, मैं आप लोग को बता दूँ, निशा जलवंशी जो दीदी हैं उनके हस्बैंड के फ़ोन पर आया था। तो देखिए, हम लोग यूट्यूब पर हैं, अगर हम लोग से आप लोग मिलते हैं तो नंबर ले लेते हैं, तो हम लोग अपना समझ के नंबर आप लोग को देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी भी आदमी से चाहे लेडीज से फ़ोन करके हम लोग को गाली सुनवाएं, तो गाली सुनाएंगे तो हम लोग तो शांत बैठे। अरे यार, गाली कोई देगा तो फिर मखाउज करेगा, तो फिर मखाउज का ड्रामा। तो हमने तो सोच लिया है हमसे कोई नंबर मांगेगा हम नंबर भी नहीं देंगे। वही तो, मान लो अगर आपने उस औरत को रख रखा है, उसके मोबाइल में नंबर मिला, उससे आपको पूछना चाहिए था कहाँ से मिला। हम तो यूट्यूबर, हमसे तो जो मांगेगा हम उसको नंबर दे देंगे। नहीं देंगे, लेकिन अब नहीं देंगे, तब भी नहीं देते, अब नहीं देते। अब कोई भी हो अगर नंबर मांगेगा तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमको भी इन चीज़ों से डर लग रहा है। कल को अगर कोई फ़ोन करके हम ही लोग को बोलने लगे कि हमारी बीवी को ऐसे किया है वैसे किया है, तो भाई झूठा इंजाम लग जाएगा हम लोग पे। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं, बाकी का हम लोग आगे से किसी को भी अपना नंबर नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी हम लोग पे झूठा इंजाम लगा देगा तो वो तो शुक्र मनाए। हम लोग के पास रिकॉर्डिंग एनी टाइम चालू रहती है, चाहे लेडीज फ़ोन करे चाहे जेंट्स फ़ोन करे, रिकॉर्डिंग हमेशा चालू रहती है। अगर अरे कल को ना कहने लगे भैया मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से बात की है, क्योंकि अगर लेडीज का भी फोन आए चाहे जेंट्स का फोन आए, हम तो देखिए फोन नहीं उठाते हैं, यही उठाते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई बदतमीजी से नहीं अभी तक बात हुआ है हमारे फोन पे, रंजन के फोन पे। हाँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड पहले ही बोल देते हैं कि अगर उनसे बात करना है तो अभी नहीं हो पाएगा, अगर कुछ पूछना है तो बताओ हम बता देंगे। तो हमारे कुछ पूछना रहता है तो जाहिर सी बात है हमारे हस्बैंड बता देते हैं, बाकी का वैसा कोई बात होता है तो मेरे पलक पे कितना उड़ रहे हैं। और आज हमारे हस्बैंड जी नहाए नहीं है, थोड़ा भीटी गए थे किसी काम से, फार्म जमा करने गए थे। और यही सारी बातें थी जो आपके बीच में रखनी थी कि अगर कोई यूट्यूब के साथ साथ कुछ अलग भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन उसका साल भर में पेमेंट मिलता है। और आप लोग को बता दूं, हम लोग को अच्छा नहीं लगता, देखिए हम लोग से कोई भी नंबर मांगते हैं हम लोग देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई बदतमीजी बोले चाहे कुछ हो, हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। और रही बात दुनिया जो बदतमीजी से बोलेगा उसकी तो ऐसी तैसी होगी। और देखिए मेन बात ये थी कि वो ड्रिंक कर रखा था, फिर भी उसने इतनी गाली सुनी। बाद में तो मैं भी मांग ही रहा था, बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन पहले कंफ्यूजन हो गई थी, तो बाद में क्या करते। पहले वो नहीं सोचा ना किसके पास मैं फोन किया, वो तो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि साला एक लेडीज एक बार बोले ही फिर जेंट्स बोल रहा है, तो मतलब नहीं समझ पाया। मैंने उसको समझा दिया अच्छी तरह से और बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मैं अच्छी तरह बता दिया कि तुम शायद मुझे नहीं जानते हो। तो कह रहा है कि मैं इस चैनल के ओनर बोल रहा हूँ, तो मैं बोला कि अपने चैनल के माध्यम से मैं बताया भी नहीं उसको। तो जब मैं समझाने लगा तो सीधी बात, हम अच्छों के लिए अच्छे हैं खराब के लिए खराब है, इतना ध्यान रखना। जो प्यार से बात करेगा इज्जत देगा तो इज्जत देंगे, नहीं इज्जत देगा पहले गाली से बात करेगा लास्ट में भी इज्जत नहीं देंगे, तब भी मैं गाली से ही बात करूंगा। और कोई चूड़ियां नहीं पहन रखा है, किसी को कोई महुआ बनाएगा भड़ुआ बनाएगा तो मैं सीधे बोलता हूँ कि आके मेरे सामने झुक जाओ मालूम चल जाएगा। कहा वो ऐसे बोला तो मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा तो अब मैं अपना लफ्ज नहीं खराब करना चाहता हूँ दोस्तों। और ऐसी ऐसी कुछ बात हुई और बात को लेके मैं भी अपसेट हो गया सामने, और उस समय मैं लिट्टी और मुर्गा खा रहा था और ऐसे अपने में बहस हो रही थी, मेरा साला वहाँ पे था, इसको जैसे गाली गुलूज तो होती है जहाँ दो लोग रहते हैं सार बाद में रहेंगे तो जाहिर सी बात है गाली गुजा होगा। तो राधा बोलती है कि रहने दो चुप हो जाओ शांत हो जाओ फ़ोन आया, तो मैंने बोला तुम बात करो अपना, मैं अपना बात कर रहा हूँ तुमसे क्या, और जब तुम्हारे भाई से बात होती बात है अपने... तुम्हारे भाई से बात होती है तो तुम तुरंत ही जर्जरा जाती हो, तो रुक जा दो मिनट इसको संभाल लेता हूँ, तब तक वो अलग ड्रिंक मार रहा है डायलॉग है। हाँ उनसे हम बोल रहे हैं भैया आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, गाली बके जा रहा है, तब हमारा दिमाग सनका तब हम ये खाने। लास्ट में फिर अपना बताया भी, ये नहीं बताया उसने, बताया कि भैया हमको नहीं मालूम था, हम आपको अब आप कह के बोल रहे हैं तो आप भी इज्जत से बात करिए, तो सम्मान तो उसने पहले ही खो दिया था भाई, जाहिर सी बात है तुम आप करो या कुछ करो। का वीडियो बना रहे हैं दो तीन दिन आपने तो देखा भी, पहले का ही वीडियो आ रहा था बना नहीं रहे थे, थोड़ा आप लोग को पता ही है कि जहाँ जाते हैं भीड़ में मेरा गला सब्सक्राइबरों के बीच में बोल बोल के क्या हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हमारी फैमिली है, जब हमारी फैमिली खुश रहेगी तो हम लोग भी खुश हैं। और रही बात तबीयत तो सही होते खराब होते रहती है हमेशा,
नजरा भी जाते हैं, फिर झड़वाते हैं, सब सही होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से, माहौ बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अब चलते हैं शॉर्ट वीडियो और बना लेते हैं। और शॉर्ट वीडियो बनाए हैं आप लोग जरूर देखिएगा। और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं भाई साहब, आप लोग के पास स्ट्राइक गया था 11 तारीख को, आप बताते हैं 27 तारीख को, आज 29 तारीख, और किसी का बीच में चैनल भी टर्मिनेट हो गया। तो पहले से ही सबके चैनल पे स्ट्राइक लगा हुआ था, जब हमारा गया तो चैनल टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन आप लोग बताते नहीं है। इतनी बार मैंने ब्लॉगिंग डाला, हम लोग तो मान लो हम लोग किससे गया, हम लोग तो वापस ले लिए, उन लोग से वापस लिवाई ना जिन लोग का पहले से। मेरा नहीं, उसमें तुम्हारा नाम खराब हो गया ना, राधा राज मारी है तो भैया दो चैनल ऑलरेडी स्ट्राइक लगा हुआ है, एक चैनल मेरा स्ट्राइक जाएगा तो जाहिर सी बात है चैनल टर्मिनेट के लिए टाइम भी देता है नहीं भी देता है, ठीक है। और अगर चैनल टर्मिनेट हो गया तो डायरेक्ट आप लोग संपर्क करिए, नहीं संपर्क करते हैं तो उसका भागीदार आप लोग होते हैं, मैं नहीं होता हूँ, ठीक है। और स्ट्राइक मेरा एक है, और भाई जाहिर सी बात है जो रिकवरी करेगा तो चार्ज अपना लेगा ही लेगा, क्योंकि मेरा एक स्ट्राइक है मैं तो वापस ले लूँगा, फ्री में लूँगा, लेकिन जो दूसरे का दो स्ट्राइक है उसका कौन लेगा भाई, वो जो हटाएगा वो अपना लेगा चार्ज जो भी है। अब वो किस तरह से गाली से हटवाएगा प्यार से हटवाएगा उसकी मर्जी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, फालतू के काम पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग अच्छे से काम करिए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाकी जो भी मेरा वीडियो डाउनलोड अभी तक कर रहा हूँ, जो भी मेरा वीडियो डाउनलोड किया है अपना ही झेलेंगे, नहीं समझ अपना झेलना, फिर हम हमारे बस की कुछ भी बात नहीं है, तो क्योंकि मैं भी किसी को चैनल दे रखा हूँ संभालने के लिए, ज्यादा समझाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फुल वीडियो ही नहीं देखता तो क्या समझेगा, चलिए नहीं समझते हैं तो। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट बोल दो, अब फिर गुड नाइट हो जाएगा ना, नहीं बाय बाय, अच्छा बाय बाय, लव यू, बाय बाय।